camera also. So it will be in... Yeah. Batao, Devesh, Wilson. No, basically just for the... You want to see them? Yeah. Rajiv? Yeah. But from here you can enter. Okay, stand up. Roll. Ready, Rajiv? Yes, sir. Step up. Thank you so much for coming. I stamped on this book. I'm so sorry. So, I'm going to go forward to the thing. Okay, stand up. Enter. Hi, Mandira. Hi. Thank you so much for coming. Sure, I love Tushar. Please. Enter. सबसे पहले तो मैं आप सबको दिल से मुस्कान देना चाहता हूँ मेरे बहने के नाम से Thank you so much for being here. एपिसोड है, स्पेशल है, जाती जज्बात है तो ये तो लाइफ सुशांत That's just simply that. हमेशा मतलब वो उनको मिलना है वो या वो मतलब अपना फैमिली डिनर्स बहुत ज़रूरी हो। आई थिंक जो मेरा कहना है वो वैसे ही मतलब इट्स ऑब्वियस एंड इट्स इज नीड टू बी रियली एक्सप्रेस। तो मैं उन चीज़ों को देखता हूँ रियली एक्सप्रेस सर भाई ज़्यादा जैसे क्या और शुमार इसको कहने के लिए आपने आपकी लैंग्वेज कर जाती है शायद सिंगल पेरेंट होने का मैं पहले से सोच रहा था इसलिए बोल नहीं पाया था। ये लैंग्वेज की बात करोगे आपकी लैंग्वेज बने बहुत से लोग बहुत ज़्यादा इस लैंग्वेज का जवाब वैसे इसका जवाब तो कोई जल्दी नहीं दे पाएंगे आपको इसका क्या खास बात है। एक्चुअली ट्रूथ इज दैट जब ये फिल्म मुझे ऑफर की गई थी तो बहुत कंफ्यूज था मैं कि तो कॉमेडी फिल्म है कॉमेडी फिल्म मतलब कि चार लोग हैं उसमें मुझे ऑफर किया जा रहा है रोल प्ले होने का है और कॉमेडी फिल्म में जब डायलॉग्स नहीं होंगे किसी कैरेक्टर के साथ के पास तो कैसे जैसे सिनेमा स्पेशली मतलब पंचेस मतलब कॉमेडी फिल्म तो आई वाज वंडरिंग कि ये क्या होगा मतलब इस कैरेक्टर को साइलेंट कर देंगे मतलब मुझे नोटिस नहीं होगा। लेकिन मैंने I would say just vibe and that feeling of excitement. So like it's actually very good. देखते बाद में क्या होता है sometimes you just take a chance. Then jump into the and then that's how you learn how to flow. Sing goes to. उसके बाद जब क्रेडिट शुरू हुई इस टाइम तो एक डायरेक्टर को अपॉइंट किया है शर्मा जी ने उसका मतलब ही as a friend हो गया जिससे ये कैरेक्टर प्ले में किया as a good character तो उनको बुलाया गया अपने क्रेडिट उन्होंने डिसाइड किया हम दोनों ने मिलकर साथ में डिसाइड किया कि इसे सिर्फ साइड लैंग्वेज में और कंप्लीट करेंगे एक साउंड मतलब साउंड का इस्तेमाल करेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले नहीं होते सो दे नो व्हाट साउंड है सो दे ट्राई टू क्रिएट वो साउंड्स निकालने की कोशिश करते हैं कोशिश में इनकी अलग लैंग्वेज और बिल्कुल मास्टर किया आपको लगता है कि अभी आप लोग कुछ बहुत बार बोले मेरे को आपको कोशिश कर सकता हूँ क्या जाने की कोशिश करूँगा तो ठीक है मेरे पास है ना कुछ लाइन मैं चाहता हूँ कि आप उन लाइनों को सोचिए लाइए मैं आपको बताऊँगा आप बताइए You हमसर अपने रास्ते पर एक मन में विश्वास है कि ये रास्ते दोबारा बहुत जल्द कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और एक आखिरी बार मुझे इजाजत दीजिए। गुड नाइट, टाटा। आई थिंक हम लोग ने बस इन्जॉय किया, जैसे कहते हैं कि वी हैड अ ब्लास्ट। काम के तौर पर नहीं देखा इसे, वी सॉ इट एज जस्ट बीइंग आवरसेल्व्स एंड हैविंग फन एंड आई गॉट टू नो हर एंड राजीव। आई नो देम बिफोर बट आई गॉट टू नो देम मोस्ट ड्यूरिंग दिस एपिसोड। इनकी कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और इनके निजी ज़िंदगी के जो सीक्रेट्स इन्होंने बताए, चाइल्डहुड के कुछ सीक्रेट्स बताए, वो सुनकर अच्छा लगा। जो इमेज इनका था, जो मैं इनके बारे में जानती थी, मेरा इमेज थोड़ा बदल गया आपको लेकर। और राजीव तो बहुत अच्छे होस्ट हैं, इट वॉज वेरी नाइस वर्किंग विद हिम एंड यू नो फील्डिंग हिज क्वेश्चंस। ऐसा कहीं लगा नहीं कि ये काम चल रहा है, जस्ट फेल्ट लाइक फ्रेंड्स वर हैविंग अ चैट। That was the best part I think, क्योंकि उसने हमें तो काफ़ी मतलब ग्रिल किया, कंफर्ट जोन से बाहर निकाला और काफ़ी सवाल किए, काफ़ी ग्रिल किया। लेकिन हमारी जब बारी आई तो वो थोड़ा हड़बड़ा से गए एंड that was fun watching him be so sweetly and diplomatic. Honestly diplomatic, yeah, and just drink up all the shots. That was part of the शर्त। वो हमें हमारे कोई भी सवालों का जवाब दे नहीं पाया, मतलब एक दो सवालों के जवाब दिए पर बाकी सब उन्होंने शॉट्स में निपटा दिए जी। और उनके ना बोलने पर भी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए हमें। बिल्कुल। बीच में हाँ। तो मैं तो वेट कर रहा था वापस आ जाएंगे, लेकिन वो कहाँ गए? शायद वो घर चले गए अपनी बीवियों से मिलने और उनकी बीवियाँ अब बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, अभी रात भर सोने वाले हैं, रात भर जागने वाले हैं। बिल्कुल। मुझे वो क्रिकेट गेम बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट थोड़ा एजुकेटिव था। हाँ, मैंने तो एक्सेप्ट मुझे वो सारे नाम याद नहीं है फिलहाल, पर आप सब एंजॉय करेंगे जब आप ये एपिसोड देखेंगे, तो देखिएगा ज़रूर। थैंक यू तुषार जी। जी जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि दीपशिखा के साथ काफ़ी समय बाद मुलाकात होगी एंड राजीव से जो है फॉर द फर्स्ट टाइम मुलाकात होने वाली है। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट बोथ ऑफ देम। काफ़ी अलग सा शो है क्या? जी जी देखिए जज्बात, जब मुझे कहा गया कि आप जज्बात पर आएँ तो मैंने कहा यार ऐसा भी कुछ नहीं कर लिया कि अपने आप के बारे में आकर के थोड़ा ना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू वाली बात। तो उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे मत समझिए, आप आकर के क्योंकि आपकी पूरी जर्नी देखी गई है और इसमें जो है ना सिर्फ आपकी आप अपनी जर्नी के बारे में बात कर सकते हैं बल्कि कुछ ऐसे पहलू पर भी नज़र डाला जाएगा जहाँ पर आपको रियली लगा कि यार ये वक्त या ये समय जो था मेरी ज़िंदगी का, ये बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट समय था जहाँ पर यू नो इट वॉज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर। तो कहा कि ये लोग देखेंगे और जाहिर बात है इंस्पायर भी होंगे। तो मैंने कहा हाँ यार शायद अगर, और फिर दीपशिखा भी आएंगी तो मैंने कहा यार बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग कि जहाँ पर मुलाकात होगी दोस्तों से और फिर जज्बात यू नो अपनी चीज़ों को रखने का मौका मिलेगा। कभी कभी अमूमन होता नहीं है ना कि आप चले जा रहे हैं और इस तरह के शोज़ में वही लोग आते हैं जो एक्चुअली have done lot of work in their lives. So still मैं तो अपने आप को भी newcomer ही कहता हूँ. तो काफी काम किया लेकिन लगता है कि अभी भी कुछ नहीं किया. कुछ डर लग रहा है क्योंकि बहुत सारे अतरंगी से गेम हो गए, काफी अलग से सवाल हो गए. तो कुछ अरे डर किस बात का, जो घाट घाट का पानी पी के आया उसके लिए क्या डर. ओके, दीपशिखा के साथ क्या केमिस्ट्री देखने मिलने वाली है? यार दीपशिखा के साथ में मेरी, अब आपको बताऊं, दीपशिखा के साथ जो शुरुआत हुई वो बिग बॉस के घर से हुई थी. और एक क्योंकि बिग बॉस का एक ऐसा घर है ना जहाँ पर कनेक्शन हो जाता है, रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, जहाँ पर एक रिश्ता शुरू हो जाता है. सो दीपशिखा के साथ जो मेरा रिश्ता बिग बॉस में शुरू हुआ था वो एक बड़ा ही बहन भाई वाला रिलेशनशिप था. और फिर वो जाहिर बात है जब नए किरदार घर के अंदर और रिश्ते के बीच में आते हैं तो खटास हो ही जाती है थोड़ी बहुत. लेकिन बहरहाल वो एक अलग प्लेटफॉर्म था. तो अब लगता है कि मिलेंगे, मुलाकात होगी तो जज्बात फिर छेड़े जाएंगे कुछ. लास्ट में पूछना है कि सेकंड लास्ट एपिसोड आप शूट करने वाले हैं. अच्छा, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस शो के फैन के लिए आप? वाओ, सेकंड लास्ट एपिसोड है, हम यहाँ तक पहुँच भी गए हैं. जितने भी तमाम इस शो को देखने वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं, फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, वेल विशर्स हैं, उनसे यही कहेंगे कि ये एक ऐसा शो है जहाँ पर दिल की बात जज्बाती होकर नहीं, लेकिन हाँ अपने जज्बातों से की जाती है. तो आप देखिए शो को और फॉलो कीजिए और हमें भी फॉलो कीजिए. ऑल द वेरी बेस्ट टू द शो, टू जज्बात टीम. थैंक यू सो मच. जज्बात पे आज आ रहे हो, भी प्रीतम के साथ आ रहे हो, तो क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, लेट मी टेल यू दैट मैंने ना जज्बात शो देखा नहीं था, बट व्हेन आई वाज फ्लाइंग टू यूएस मैंने इंस्टा पे कुछ एपिसोड के ग्लिम्स देखे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा था. द शो इज़ वेरी नाइस एंड कोइंसिडेंटली व्हेन आई केम बैक एंड दे कॉल्ड मी फॉर दिस शो, सो आई सेड ओके. मैं किसके साथ आ रही हूँ? सो प्रीतम के साथ. तो आई न्यू इट व्हाट दे अप टू. But it's okay, Bigg Boss, whatever happens in Bigg Boss stays in Bigg Boss. So I'm excited. मैं उसके बाद प्रीतम को कभी मिली भी नहीं, तो let's see आज कैसा होता है. And पुरानी यादें ताज़ा होती है. Now of course we've grown more matured and we understand. So let's see. I also don't know how it's going to happen. काफ़ी अलग-अलग से गेम होते हैं, अतरंगी से सवाल होते हैं. कितना डरे हो आप इन सब चीज़ों से? मैं किसी से नहीं डरती लाइफ में. मैं लाइफ में किसी से नहीं डरती, तो सवालों से क्या डरूंगी? आई एम रेडी टू रोल, आई एम रेडी टू गिव ऑल द आंसर्स. और ये कहूँगी, जो भी कहूँगी दिल से कहूँगी, कोई बनावटी नहीं होगा. और प्रीतम के साथ क्या केमिस्ट्री देखने मिलने वाली है? मुझे ही नहीं पता क्या केमिस्ट्री होने वाली है. हम लड़ने वाले हैं, हम इसका सर फोड़ने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं, मुझे नहीं पता. सेकंड लास्ट एपिसोड है इस सीजन का, तो क्या कहना चाहती हैं आप इसके बारे में? ओह रियली, नो, नॉट हैप्पी. क्यों? सेकंड लास्ट है और होना चाहिए. बट ऑल द बेस्ट ही कहूँगी टीम को. ऑफ कोर्स वो सीज़न 2 के साथ वापस आए बिकॉज लोगों को पसंद आ रहा है. मतलब जिसको मैंने बोला, मैंने देखा नहीं था कि मैं जज्बात की शूट कर रही हूँ, सो दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज पीपल आर वॉचिंग जज्बात. एंड ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एक्टर्स के पर्सनल लाइफ में बारे में जानने का शौक़ होता है. तो जब ऐसे शो आते हैं एंड वी आर देयर ऑन द शो, तो वी गेट टू नो ईच अदर वन ऑन वन. तो वो इमेज होती है ना, जो स्क्रीन इमेज पीपल जज करते हैं कि ये कैरेक्टर है, वैसा नहीं है. थैंक यू.